हेलो एवरीबॉडी, शुरू करते हैं आज का अपने इस लेक्चर 3 को। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं दोनों लेक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो शुरू करते हैं अपना इस लेक्चर को और देखेंगे इसमें जो हमारे बाकी बचे हुए चीज़ें हैं। तो लेट्स बिगिन। और शुरू करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है वो क्या है। आप यहाँ पर एक बार हल्का सा एक लुक ले लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें है प्रोजेक्शन व्यू, ये ब्रॉड टॉपिक है। बाकी ब्रॉड आप मेरे पर छोड़ दीजिएगा, ब्रॉड मैं आपको कवर करा दूंगा। आप सिर्फ टॉपिक्स देख लीजिए, ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, लाइन्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर हैं और सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली 5 से 6 टॉपिक हैं, 1, 2, 3 और 4, 5 एंड 6, 6 टॉपिक्स हैं मेनली, ठीक है, 6 टॉपिक्स हैं हमारे। अभी तक हमने जो कवर किए हैं 2 लेक्चर, और 2 लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का। आज जो लेक्चर 3rd है ये आपको कंप्लीट करा देगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तीनों लेक्चर को मिलाकर अगर मैं बात करूँ, अगर इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बाकी 2 लेक्चर थे उनसे अगर कुछ चीज़ बाहर थी मैंने उसको सबको सर्च करने के बाद मैं आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम बेसिकली इसमें डिस्कस कर रहे थे और ये 3 लेक्चर होने के बाद में आज यानी कि कंप्लीट हो जाएगा 3rd लेक्चर के अंदर। और उसके बाद हम शुरू करेंगे लाइंस, ठीक है, लाइंस पढ़ेंगे उसके बाद में, फिर हम पढ़ेंगे सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन और फिर उसके बाद देखेंगे ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में आपको कुछ आइडिया भी है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आपके ट्रायंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं और क्वाड्रिलेटरल जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो ज्योमेट्रिकल फिगर आप मैथ में पढ़ते हैं वो सारे इसमें हम एक बार रिकवर करेंगे। वैसे आपको आते हैं फिर भी एक क्विक रिविजन के लिए हम इसमें देखेंगे, कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हमारे बचते हैं प्रोजेक्शन और व्यू, ठीक है, फिर हम प्रोजेक्शन और व्यू में से कोई सा भी एक टॉपिक करके फाइनल करेंगे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को। तो आगे अब देखते हैं क्या है चीज़ें इस लेक्चर के अंदर। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने 2 लेक्चर अभी तक कवर किए हैं उनके अंदर हमने क्या देखा था, पेंसिल के ग्रेड की बात की थी और उनमें किस तरीके का उनका जो मीडियम होता है, हार्ड मीडियम सॉफ्ट, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हमने एक थोड़े से उसमें मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं जो मिस्टेक मुझे लगी थी मैंने वो आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या मिस्टेक हुई थी, आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मिस्टेक हो गई है तो हो गई है, ठीक है। ये वाली चीज़ आप देखेंगे, ये ऊपर वाले दोनों हमने सही कवर किए थे लेकिन सॉफ्ट वाले में क्या हो गया था कि जो साइन है ये अपोजिट हो गया था, ठीक है, ये साइन अपोजिट हो गया था, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे सॉफ्टेस्ट होगा, ठीक है, सॉफ्टेस्ट होगा 2B, लेकिन यहाँ पर क्या है जो 7B है ये सबसे सॉफ्टेस्ट है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इस तरीके से है, ठीक है, ये हमने उल्टे लगा दिए थे, जो स्टेबल में दिए हैं वो सही हैं। और फिर अगर पेपर आपका रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन यानी कि बिल्कुल टफ अगर कहें वो बनता है, तब आपको क्या करना है इस केस के लिए, अगर आप बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो इस टेबल को और आप लर्न करेंगे। जैसे बॉर्डर लाइंस के लिए हम कौन कौन सी लेड या पेंसिल यूज करते हैं, वो 3H और 2H वाली जो लेड वाली पेंसिल होती हैं उनको यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए कौन सी यूज करते हैं, 3H 2H, और ये लाइन वगैरह तो हम आगने वाले जो चैप्टर है हमारा उसमें कवर करेंगे, तो ठीक है। ये आप देखिए गाइड लाइंस किसके लिए यूज होती हैं, इसके लिए यूज करते हैं हम 3H 2H, और लेटरिंग जो होता है शब्दांश और डायमेंशनिंग के लिए देने के लिए उसको यूज करते हैं HF HB 2H और H। तो अगर पेपर जब टफ बनेगा तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, बहुत रेयर चांस है यहाँ से पूछने के, फिर भी आप अपने को तैयार रखिएगा। तो आ जाते हैं अपने इस लेक्चर पर जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज तक हमने जो देखा, टी स्क्वायर हमने कंप्लीट किया, टी स्क्वायर और उसके साथ में हमने सेट स्क्वायर पढ़ा, फिर हमने प्रोट्रैक्टर की बात करी और स्केल हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि स्केल आपको आता है, तो स्केल बस बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे आइडिया और मिल जाएगा अगर आपको आता भी है। टी स्क्वायर को आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि टी स्क्वायर की हेल्प से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी क्षैतिज पैरेलल लाइन, क्षैतिज समांतर लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। तो हिंदी में बोलता रहूँगा, अगर इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, ये बेसिकली समझने की चीज़ें हैं, अगर आप समझ जाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी इंग्लिश के लिए। तो पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं टी स्क्वायर से, इससे इसकी एक डिमेरिट यानी कि इसका एक अवगुण क्या है कि इससे हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ नहीं करते, जो ऑफिशियल रूल है, वैसे आप करने को कर सकते हैं, तो ऑफिशियल रूल से मना करता है कि हम पैरेलल लाइंस
वर्टिकल लाइन पैरेलल जो होती हैं उनको ड्रॉ नहीं कर सकते टी स्क्वायर की हेल्प से। तब हमने क्या किया, तो हमने इसको सेट स्क्वायर के साथ में संयोजन किया था और हमने पैरेलल लाइंस जो वर्टिकल होती हैं वो इस तरीके से हम फिर खींच पाते थे टी स्क्वायर की हेल्प से, सेट स्क्वायर यूज करके। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई दोनों। फिर हमने देखा था कि प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर क्या होता है कि अगर हमें सर्कल को डिवाइड करना होता था तो हम क्या करते थे, एंगल वाइज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेक्टर हमें कोई सेक्टर डिवाइड करना हो, कोई सेक्टर डिवाइड करना हो तो भी हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से उसको डिवाइड कर सकते थे। तो हमने ये पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ आपको हल्का सा। और स्केल की मदद से क्या करते हैं वो हम आप जानते हैं, हम किसी की लेंथ नाप सकते हैं स्केल की मदद से। अब मिनी ड्राफ्टर का क्या यूज़ है, देखो मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर एक साथ का, प्रोट्रैक्टर का और स्केल का, इन चारों का फंक्शन एक साथ करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। ठीक है, इन चारों का फंक्शन मिला के, यानी कि अगर हमें पैरेलल लाइंस खींचनी है, पैरेलल वर्टिकल, पैरेलल हॉरिजॉन्टल, और अगर हमें डिवाइड करना है सर्कल को, या फिर हमें किसी की लेंथ नापनी है, तो अब भी हम यूज कर सकते हैं अपने मिनी ड्राफ्टर को। ठीक है, तो आप इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मिनी ड्राफ्टर की डेफिनेशन क्या होती है, टू ड्रॉ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन भी लाइन हम इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो आप ये लॉक पिन होता है, ये क्या होता है, लॉक पिन होता है। इसको आप मोशन में ले सकते हैं, इस तरीके से घूम सकता है और जहाँ पर आप चाहेंगे वहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ पर एक लॉक पिन होता है जो आपके ड्राइंग बोर्ड में कस दिया जाता है एक साइड से, और यहाँ पर भी ये मोशन करता है। तो अगर आपने कभी इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे यूज में लाया जाता है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि मिनी ड्राफ्टर का यूज क्या होता है। तो मिनी ड्राफ्टर को यूज करते हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसका एक नाम होता है, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका जो नाम होता है वो होता है हाफ इंपीरियल मशीन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंपीरियल मशीन। तो आप इसको याद रखें, कहीं पर लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं, ये होता है हाफ इंपीरियल मशीन। और इसको इसकी जो माप होती है वो होती है 575 गुणा 800 mm। ठीक है, 800 mm ये इसकी माप होती है मिनी ड्राफ्टर की, जिसको हम क्या कहते हैं, इंपीरियल मशीन भी कह देते हैं कई बार, मिनी इंपीरियल मशीन। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है बेसिकली इन सब का फंक्शन कॉम्बिनेशन के साथ में। और इसकी माप क्या होती है ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट है वो है क्लिनोग्राफ। क्लिनोग्राफ हमने पढ़ा था सेट स्क्वायर, आप देख रहे होंगे ये सेट स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ये वाली जो इसकी साइड्स होती है ये फिक्स होती है 90 डिग्री पर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये मूव कर सकता है अप और डाउन। ठीक है, अगर हमें इंक्लाइन लाइन यहाँ पर खींचनी है तो हम यहाँ पर खींचेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा इधर, और फिर जो एंगल हमें लेना होगा तब वहाँ खींच सकते हैं। तो ये हम यूज करते हैं, यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस एट एनी इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। और हम एक एक करके सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है रबर। रबर आप जानते होंगे रबर का क्या फंक्शन होता है, इरेज करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन आपको रबर जब आप यूज करेंगे उसके आप एक ध्यान में क्या रखना है, जब हम ड्राइंग पर रबर से इस इरेजिंग कर देते हैं तो जो उसका कर्व्स होते हैं, जो कर्व्स बच जाते हैं, तो उनको हमें हाथ से स्वैप नहीं करना है, हाथ से साफ नहीं करना है कि एकदम ऐसे लिया हाथ से और इसको भगा दिया, ऐसे नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ड्राइंग सीट होगी, ड्राइंग सीट वो ख़राब हो सकती है। तो हमें उसको क्या यूज करना है, स्वीट बी अवे विद द डस्टर, डस्टर का यूज करना है और इसको हटा देना है। ठीक है, हाथ से नहीं करते हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक, अगर हमें फास्ट रिमूव करना है, फास्ट रिमूव करना है तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजिंग मशीन, आप इसको इलेक्ट्रिक में लगाकर, और ये यहाँ पर इरेजर लगा होता है, इरेजर टाइप का, उससे बहुत जल्दी सफाई कर सकते हैं अपनी जो भी इरेज आपको करना है ड्राइंग शीट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक इरेजिंग मशीन क्या होती है ये आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं इरेजिंग शील्ड की। ये इरेजिंग शील्ड का क्या फंक्शन होता है, ये इसलिए हम यूज में करते हैं, ये काफ़ी थिन थिन होती है, काफ़ी थिन होती है, एकदम चिपक जाती है हमारी जो ड्राइंग शीट होती है उससे। और ये टीन की बनी होती है, टीन शीट मेटल की होती है, काफ़ी शीट मेटल जो होती है हमारी उसकी बनी होती है, शीट मेटल की। और इसके फंक्शन क्या होता है, मान लिया हमें दो लाइन है हमारे पास में और हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और हमें ये
रिस्क नहीं लेना चाहते कि ये वाली लाइन पर कुछ भी हो, तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे, जो आप ये लाइन देख रहे हैं इसमें अलग अलग शेप की लाइन होती है, तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे और ये जो हमारी लाइन है जो हमें इरेज करनी है वो इसके अंदर ले लेंगे इस तरीके से, और फिर हम इरेजर की हेल्प से इस वाली लाइन को हटा देंगे। तो जो आप देख रहे होंगे जो बाकी वाला एरिया है उसको ये शील्ड प्रदान करती है, मतलब शील्ड का मतलब क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको उसका मतलब ख्याल रखती है एक तरीके से, उसको ख़त्म नहीं होती होने देती शील्ड का, आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। शील्ड मतलब प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट उसकी देखभाल करना एक तरीके से, जो पास वाली होती है उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी, जो हमें इरेज करना है सिर्फ उसी को इरेज करेंगे, ठीक है। तो इरेजिंग शील्ड क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ड्रॉइंग पिन, ड्राइंग पिन आप सभी समझते हैं, इस तरह के जो पिन होते हैं उन्हें ड्राइंग पिन कहते हैं, और इनको किस लिए यूज़ किया जाता है आप जानते ही होंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं क्लिप्स, क्लिप्स भी हम यूज़ करते हैं, ड्राइंग जो बोर्ड होता है हमारा ड्राइंग बोर्ड, वहाँ पर अगर हमें यहाँ पर शीट को पकड़ना है तो इसको हम उठाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड के अंदर ये पकड़ में ले लेता है जो हमारी शीट होती है उसको। अब बात करते हैं इरेगुलर और फ्रेंच कर्व, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो ये जो हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है इन्हें कहते हैं हम फ्रेंच कर्व, ये क्या है बेसिकली, ये है फ्रेंच कर्व, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है। तो फ्रेंच कर्व क्या होते हैं आप ये देखिए, फ्रेंच कर्व किस लिए यूज में लिए जाते हैं, ये यूज में लिए जाते हैं हमें अगर कोई, जैसे आप ये समझिए यहाँ पर, आप यहाँ पर ही समझिए देखिए, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है ठीक है, और दूसरा पॉइंट इधर था, दूसरा पॉइंट यहाँ पर था, अब हमें इन्हें मीट कराना है ठीक है। तो हम वैसे अगर हम किसी की हेल्प लेंगे दूसरे उपकरण की तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेंच कर्व। अब हम हमारा जो फ्रेंच कर्व था वो अलग रखा होगा, तो हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व लगाएंगे और इसी शेप पर अपनी जो हमें कर्व ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करनी है वो कर लेंगे, और इसमें अलग अलग इनसाइड वाली आर्क के लिए ये होते हैं, जो इनसाइडर हमें आर्क खींचनी है तो आउटसाइडर की तरफ होगी, अगर हमें किसी ड्रॉइंग के अंदर आर्क खींचनी है तो हम इस वाली जो इसकी साइड है अंदर वाली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। अब ये वाले सारे हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंच कर्व क्या होता है ये आपको समझाना है बेसिकली मेरा काम, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फंक्शन क्या होता है फ्रेंच कर्व का। एक होती है स्प्लेन, स्प्लेन आपने कहीं अगर कभी कंप्यूटर वगैरह में ड्राइंग की है तो आपको वहाँ पर मिली होगी स्प्लेन, ये इसके एडिटिंग पॉइंट होते हैं इस तरीके से ऑटो कैड वगैरह में। तो स्प्लेन का क्या मतलब होता है, ये भी ऐसा ही एक काम करती है जैसा कि फ्रेंच कर्व करता है, इरेगुलर जो शेप्स होती हैं उनको ये कर्व प्रदान करने के लिए यूज में ले जाती हैं स्प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं ड्रॉइंग इंक। तो ड्राइंग इंक क्या होता है, जब हमारी जो ड्राइंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो अगर हमें उसमें इंक करना है तो उसी के लिए यूज में लेते हैं हम ड्राइंग इंक। इसमें होता क्या है, इट कंपोज्ड ऑफ कार्बन इन कोलाइडल एंड गम, कोलाइडल एंड गम फॉर्म में कार्बन रखती हैं, और इसके ये इट इज़ वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ होती है इसलिए हमारी जो शीट होती है वो ख़राब नहीं होती। तो इसको आप याद रखेंगे ड्राइंग इंक का क्या काम होता है, और इसका एक प्रिकॉशन कह सकते हैं ये होता है कि आपको ड्राइंग इंक को खुला नहीं छोड़ना है, जैसे ड्राइंग इंक की बोतल है ठीक है, ड्राइंग इंक की जो बोतल है उसको आपको खुला नहीं छोड़ना है, यानी कि उस पर आपको बंद करके रखना है, उसका ढक्कन बंद करके रखना है, अगर आप खुला छोड़ देंगे तो ये हल्का सा जो लिक्विड फॉर्म में होता है ये एकदम थिक हो जाएगा, एकदम थिक हो जाएगा, चाहे फिर आप बोतल को ऐसे कर भी लें तो ये निकलने वाला नहीं है, चाहे यहाँ से आप निकालने की कोशिश करेंगे ये नहीं निकलेगा, ये इसमें जम जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, अगर ऐसा पूछ ले कि जब हमारी ड्राइंग इंक है वो जम जाती है तब आप उसको थिन फॉर्म में किस तरीके से लाएंगे, पतली फॉर्म में किस तरीके से लाएंगे, तो इसके लिए आपको एक अलग से जो सब्सटेंस होता है वो ऐड करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंस के अंदर किस रेशियो में होता है, उसके अंदर होता है 4:1 के अंदर एक्वा अमोनिया होता है उसके अंदर, और ये दूसरा होता है डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर होता है, आप उसको याद रखेंगे, डिस्टिल वाटर होता है दूसरा। तो अगर हमें हमारी जो ड्राइंग इंक है वो थिक हो गई है और हमें उसे दोबारा से थिन फॉर्म में लाना है तो हमें 4:1 के रेशियो में एक्वा अमोनिया या डिस्टिल वाटर मिलाना है, अगर 4 बूंद हमें एक्वा अमोनिया मिलाना है तो 1 बूंद हमें डिस्टिल वाटर उसके अंदर मिलाकर हिलाना होगा, तो ये फिर से वैसी ही फॉर्म में आ जाएगी जैसे थी, तो ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग साइड, हमने बात करी थी ड्राइंग शीट की, ड्राइंग शीट हमने देखी थी
तो ड्राइंग शीट की दो सरफेस होती हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, एक ये वाली और एक इसके पीछे वाली। तो एक होती है सॉफ्ट, एक होती है रफ़, ठीक है, एक होती है सॉफ्ट, एक होती है पीछे इसके रफ़। तो जो हम यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, तो हम वो यूज़ करते हैं सॉफ्ट। बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले कि हम ड्राइंग कौन सी साइड यूज़ करते हैं, रफ़ यूज करते हैं या फिर सॉफ्ट यूज करते हैं, और कन्फ्यूजन हो सकता है अगर पता नहीं है। तो मैं बारीक से बारीक क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो सारे इसमें आपके लिए कवर कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे देखेंगे हाफ इम्पीरियल सीट। हाफ इम्पीरियल सीट क्या होती है, ये इसका जो माप होता है ये होता है 420 × 594। ये सीट का जो माप है ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसका जो नाम है वो नहीं डिस्कस किया था मैंने आपसे। तो मैंने जो भी इसका नाम है नई सीट का, हमारी का नई नहीं है बेसिकली, पुरानी है जो हमने डिस्कस कर ली है। इसका जो सिंबल हमने पहले देखा था तो ये होती है A2, ठीक है, A2 की माप ये होती है। और A2 को अब आप समझ गए होंगे, A2 का ही नाम हाफ इम्पीरियल सीट है। तो बिल्कुल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले हमने देखा था ड्राफ्टर का भी नाम हाफ इम्पीरियल सीट होता है, क्योंकि ड्राफ्टर को यूज करते हैं, सॉरी उसका हाफ इम्पीरियल मशीन होता है, और ये क्या होता है सीट होता है। तो जो ड्राफ्टर होता है वो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा यूज किया जाता है, और जो ये A2 सीट होती है ये भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा यूज में लाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं हाफ इम्पीरियल सीट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हाफ इम्पीरियल सीट आपको दे देगा कि इनमें से कौन सी है, तो आपको बताना है कि कौन सी होती है हाफ इम्पीरियल सीट, A2 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है ये, और ये ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी सीट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा यूज की जा सकती की जाती है, तो वो भी इसका आंसर होगा A2 सीट जो होती है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा यूज में लाई जाती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये A1 A2 A3 हैं इन्हें कौन देता है, तो इन्हें देता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन इनको देता है। A1 A2 A0 जो ये साइज होते हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ये कंप्लीट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमने ड्राइंग बोर्ड पढ़ लिया है, मिनी ड्राफ्टर हमने आज पढ़ लिया है, ड्राइंग शीट हमने पढ़ लिया है, पेंसिल हमने पढ़ लिया है, नॉन डस्ट रबर हमने पढ़ लिया है, स्केल आप सभी जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हमने पढ़ लिए हैं कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, डिवाइडर और जो मैंने आपको चांदा वगैरह दिखाए थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं, सेट स्क्वायर हमने पढ़ लिया, ड्राइंग बोर्ड के क्लिप्स हमने आज देख लिए हैं, क्लैम्प्स हमने देख लिए, पिन हमने देख लिए, सेलो टेप आप सभी समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर हमने देख लिया है, ठीक है, और पेंसिल शार्पनर तो आप जानते हैं, और ये अगला है स्मॉल पेपर नाइफ, ये नाइफ वगैरह है पेपर को काटने के लिए जो यूज में लेते हैं ड्राइंग को, पेपर एक नाइफ आता है आपने अगर देखा होगा कभी, वो अंदर भी हो जाता है थोड़ा सा इस तरीके से होता है, अंदर भी उसको कर सकते हैं, मूवेबल होता है अंदर बाहर हो सकता है, उसको हम पेपर जो हमारा होता है उसको काटने के रूप में उसको यूज करते हैं, ठीक है। ए हैंडकरचीफ और हैंड टॉवल, ये तो हैंड वगैरह साफ करने के लिए यूज में होता है। तो इस तरीके से जो हमने सारा कंप्लीट अपने जो ड्राइंग इक्विपमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। 3 लेक्चर के अंदर हमारा ये पूरा टॉपिक इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जैसे मैं आपको बता दिया है, वो होगा लाइंस देखेंगे, उसके बाद में हम फिर देखेंगे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको देखेंगे। और ये जो मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूँ ये मैं DGET की जो ALP के अंदर आने वाला जो सिलेबस है DGET उसके अंदर से मैंने इसको ड्राइंग इक्विपमेंट्स के अंदर जाके मैंने सारी चीज़ें देखी कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो DGET सिलेबस के अंदर मेंशन है, वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले चैप्टर से हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, और मुझे पूरी गारंटी से मैं आप कह सकता हूँ यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे और उनसे जुड़े जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपके साथ में बिल्कुल एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर हम इसका एक MCQ देखें तो एक पूरे चैप्टर का MCQ बन सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि आप पूरे चैप्टर का MCQ एक साथ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नए लेक्चर में मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।